हेलो गाइस, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x+1। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे फर्स्ट हम लोग को इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो 4 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो 4 को लिख देंगे। उसके बाद e3x, तो e x का इंटीग्रेशन होता है e x, तो इसको लिखेंगे e3x। देन यहाँ पर x के जगह 3x है, तो 3x का हम लोग दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन, और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग डिवाइड में लिखेंगे। मीन्स 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, और उसको हम लोग डिवाइड में लिखेंगे। देन इसके बाद प्लस 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पर प्लस x लिखेंगे। देन प्लस c, c मीन्स कॉन्स्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना हम लोग को एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/x2। चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर को अगर इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ओनली बचेगा 1। देन यहाँ पर dx, ओके। देन एक्स स्क्वायर का हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाएगा, मीन्स x का पावर 3, और जो भी पावर होगा वो नीचे भी आ जाएगा डिवाइड में। देन -1 का इंटीग्रेशन होगा -x प्लस में c। ये होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है ax2 + bx + c। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर a, b और c तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होगा, ए कॉन्स्टेंट है तो ए को ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स का पावर 3 डिवाइड में 3, प्लस बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो इसको भी लिख देंगे बी, एक्स का पावर यहाँ पर 1 है तो एक ऐड हो जाएगा, मीन्स एक्स का पावर 2 और डिवाइड में भी 2, प्लस यहाँ पर सी भी कॉन्स्टेंट है तो सी को यहाँ पर लिख देंगे, और देन यहाँ पर एक्स, बिकॉज यहाँ पर एक्स का पावर 0 है, मीन्स एक्स है ही नहीं, यानी एक्स का पावर 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर 1 और डिवाइड में 1, मीन्स सी इंटू एक्स, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट सी। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है 2x² + e^x। तो इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3 प्लस e^x का इंटीग्रेशन होता है e^x, तो इसको लिखेंगे e^x, देन प्लस में एक कॉन्स्टेंट सी। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यानी a² - 2ab + b². तो ये हो जाएगा a² मीन्स x माइनस 2 इंटू ए इंटू में b, b का वैल्यू है 1/√x और प्लस में b², b यानी इसका स्क्वायर, तो 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा 1/x, देन यहाँ पर dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 माइनस, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये x² √√x और √x ये कट जाएगा, देन यहाँ पर बचेगा 2, इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस में 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है -1/x² ओके, प्लस में यहाँ आ जाएगा कॉन्स्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x³ - 5x² - 4/x². तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को तीनों टर्म से हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। देन फर्स्टली हम लोग एक्स स्क्वायर को अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर को अगर 5x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ओनली 5 बचेगा, देन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4/x² एंड यहाँ पर dx। अब हम लोग इसका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x एंड -4/x², तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू में x² - 2, क्योंकि जो नीचे में पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो वो पावर नेगेटिव में चला जाएगा, ओके। और इसका हम लोग का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्योंकि इसको अभी हम लोग ऊपर भेजे, इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाले। देन नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, x² / 2, इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 5x माइनस, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है
तो 4 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। देन x का पावर -2 है, तो x का पावर ये -3 हो जाएगा डिवाइड में, सॉरी x का पावर -2 और यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, और जो भी पावर है वो नीचे भी लिखा जाएगा, यानी x का पावर -2+1 और डिवाइड में -2+1, और एक कांस्टेंट ऐड होगा c। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2+5x-4 एक्स टू डी पावर -2+1 होगा एक्स का पावर -1 और डिवाइड में -2+1 होगा -1, ओके प्लस सी। इसको लास्टली सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2+5x, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, देन 4 डिवाइड में ये जो एक्स का पावर -1 है वो नीचे आएगा, तो एक्स का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा यानी एक्स आ जाएगा प्लस सी। तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x³+3x+4 डिवाइडेड बाय √x। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, √x को तीनों टर्म से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो √x का वैल्यू होता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग x का पावर 1/2, ओके। तो हम लोग x का पावर 1/2 लेकर चलेंगे, तो अगर ऊपर इसको भेजेंगे x का पावर 3 डिवाइडेड बाय x का पावर 1/2, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग x का पावर 3 डिवाइड बाय x का पावर 1/2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का पावर 3 और जो डिवाइड में x का पावर 1/2 है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर इसका पावर में 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 प्लस में है, पॉजिटिव में है, और ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। देन इसका वैल्यू होगा 3-1/2, तो ये हो जाएगा 6-1/2 एक्स का पावर 6-1/2। देन यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर 6-1 5/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग x का पावर 3 को √x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, x का पावर 5/2 प्लस, अब हम लोग 3x को डिवाइड करेंगे √x से। तो अगर 3x को डिवाइड करेंगे √x से मीन्स x का पावर 1/2 से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का पावर 1/2, ये अगर ऊपर जाएगा तो 3x का पावर पहले से यहाँ पर 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1/2, देन इसका वैल्यू आएगा 3x का पावर 2 × 2 − 1 1/2, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × x^(1/2, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 4, और यहाँ पर है x का पावर √x है, तो इसको लिखेंगे x का पावर -1/2, बिकॉज √x का वैल्यू होता है 1 × x^(1/2, और ये अगर ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा x का पावर -1/2 और इंटू में dx। अब इसका इंडिविजुअली हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा x का पावर 5/2+1/5/2+1, मीन्स एक पावर ऐड होगा, जो भी पावर ऊपर ऐड हुआ वो डिवाइड में भी जाएगा, प्लस यहाँ पर भी होगा x का पावर 1/2+1 डिवाइड में 1/2+1। देन सिमिलरली यहाँ पर भी सेम होगा, x का पावर -1/2+1 डिवाइड में -1/2+1 और प्लस में कांस्टेंट c। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा x का पावर 5+2 7/2 और डिवाइड में भी 7/2, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 × x^(3/2 डिवाइड में भी 3/2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 × x^(-1/2+1 मीन्स x का पावर 1/2 और डिवाइड में भी सेम होगा x का पावर मीन्स 1/2 और प्लस में कांस्टेंट c, ओके। अब जो 7/2 है इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 2/7 × x^(7/2 प्लस, ये आएगा 3/2 है तो ऊपर जाएगा तो 2/3 आएगा मीन्स अपोजिट हो जाएगा, और इंटू में 3 × x^(3/2। देन लास्टली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा 2 × 4 × x^(1/2 प्लस में सी, ओके। यहाँ पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, लास्टली हम लोग लिख सकते हैं इसको 2/7 × x^(7/2 प्लस में 2 × x^(3/2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 × x^(1/2+c। तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये दोनों में से x को कॉमन लेंगे, यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस वन, ओके, प्लस में यहाँ पर है x माइनस वन, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने ये कैसे लिखा, यहाँ ये दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया और यहाँ पर बचा यहाँ से x और यहाँ से माइनस वन, ओके, देन यहाँ डिवाइड में x माइनस वन है और यहाँ पर dx। देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस वन को दोनों टर्म से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस वन को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ का x माइनस वन कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ का एक्स माइनस वन वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन और ये dx। देन अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होगा, देन प्लस c कॉन्स्टेंट। तो ये इजी सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स का हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, पहले हम लोग रूट अंडर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा रूट अंडर एक्स, और रूट अंडर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। देन माइनस, अब रूट अंडर एक्स को अगर हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर होता है 1 एंड रूट अंडर एक्स का पावर होता है 1/2, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, 1/2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स का पावर 3/2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 3/2 और इंटू में dx। अब इसका हम लोग सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स का पावर 1/2 प्लस 1, और जो पावर में है वो नीचे भी आएगा, मीन्स 1/2 प्लस 1। देन यहाँ पर सिंपली x का पावर 3/2 है, तो x का पावर 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, और जो पावर में लिखे हैं वो नीचे भी डिवाइड में आ जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट c। अब इसे हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 आएगा 3/2 और नीचे में भी 3/2, बट इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/3, ओके, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का पावर आएगा 5/2 और नीचे में भी डिवाइड में आएगा 5/2, बट इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 2/5 और प्लस में कॉन्स्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग ये रूट अंडर एक्स को तीनों टर्म से पहले इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आएगा 3x का पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है रूट अंडर एक्स, मीन्स 2 प्लस रूट अंडर एक्स का वैल्यू होता है, इसका पावर होता है 1/2, तो 2 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो यह आएगा 5/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5/2 प्लस यहाँ पर 2x है, यहाँ पर रूट अंडर एक्स है, मीन्स यहाँ पर x का पावर है 1 और यहाँ पर है 1/2, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो आएगा 3/2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 इंटू में वहाँ पर x का टर्म नहीं है, तो सिंपली ये वाला x रूट अंडर एक्स यहाँ आ जाएगा और रूट अंडर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पर dx। अब हम लोग क्या करना है, इसका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो ये 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, देन x का पावर 5/2 प्लस 1 यानी x का पावर 7/2 और जो भी पावर में है वो नीचे आएगा और नीचे को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/7, ओके। मैंने क्या किया, x का पावर 5/2 में एक ऐड किया यानी x का पावर 7/2 हो गया, और जो 7/2 पावर में वो नीचे आएगा मीन 7/2 नीचे आएगा और उसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। देन अब हम लोग 2 इंटू एक्स का पावर 3/2 का अगर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, देन x का पावर 3/2 में एक ऐड हो जाएगा यानी x का पावर 5/2 हो जाएगा, और 5/2 को हम लोग नीचे लिखेंगे बट अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटू में 2/5 हो जाएगा, इंटू में 2/5, ओके, प्लस 3x का पावर 1/2 है तो 3 कॉन्स्टेंट है ये बाहर रह जाएगा, देन x का पावर 1/2 में एक ऐड होगा तो x का पावर 3/2 हो जाएगा, देन 3/2 को हम लोग नीचे लिखेंगे बट इसको भी सेम हम लोग ऊपर अगर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स 2/3 आ गया। अब सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, एक्स का पावर 7/2 बाय में 7 प्लस यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 एक्स का पावर 5/2, ओके, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6/7 इंटू में एक्स का पावर 7/2
प्लस में 4 बाय 5 एक्स के पावर 5 बाय 2 प्लस में यहाँ 2 3 जा 6 बाय 3 सॉरी यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x का पावर 3 बाय 2 2x का पावर 3 बाय 2 यहाँ पर प्लस कांस्टेंट होगा यहाँ पर भी एक प्लस कांस्टेंट सी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।